हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ, अमेरिका में मिडवेस्ट स्टेट्स में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है गाइस, क्योंकि आज थोड़ी सी कम ठंड है। थोड़ी सी कम ठंड की अगर मैं बात बोलूं तो 7 डिग्री सेल्सियस को मैं थोड़ी सी कम ठंड कह रही हूँ। यहाँ -10 डिग्रीज, -5 डिग्रीज, 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं, और जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही हॉट न्यूज़ है यहाँ अमेरिका में हम सब इंडियंस के लिए। ये जो रूल आया है इसे पायलट प्रोग्राम भी कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जनवरी से या अर्ली 2024 से यहाँ अमेरिका में ही आपके वीज़ा की स्टैम्पिंग हो जाएगी। ये मैंने पहले बताया था, बट इट्स नॉट एज सिंपल। इसमें रूल है जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में कि किन किन लोगों का स्टैम्पिंग यहाँ अमेरिका में होगा। कि ये रूल H-1B वीज़ा वालों के लिए है। H-1B वीज़ा है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। H-1B वीज़ा पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ अमेरिका के अंदर। ये रूल भी है जिसमें इंडियंस को ही ज़्यादातर हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम सबको जो इंडिया में स्टैम्पिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पे जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, ड्यू टू इतना ज़्यादा भीड़ रहती है। इसको स्टैम्पिंग करवाने के लिए काफ़ी लोगों को स्टैम्पिंग करवाना रहता है। इसीलिए यहाँ यूएस गवर्नमेंट, USCIS ये रूल लेके आई कि यहाँ अमेरिका में ही हम स्टैम्पिंग करेंगे। किन लोगों का स्टैम्पिंग होगा? 2024 जनवरी 29 से ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, अमेरिका आना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे फोन पे बात करना है तो मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे जाए। वहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस कोर्सेस लगा रखा है जिसमें कॉल असिस्टेंस, कॉल गाइडेंस के भी कोर्सेस एंड पैकेजेस है। 30 मिनट्स का असिस्टेंस चाहिए तो आप वो वाला पैकेज या कोर्स ले लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ सीरियस लोग मुझसे बात करें जो अमेरिका आने में इंटरेस्टेड है। फ्री में अगर मैं बात करूंगी तो सब लोग बात करना चाहेंगे। दूसरी चीज, अमेरिका कोई भी आ सकता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वीजा है, 30-40 डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं अमेरिका आने के लिए। लोगों को पता नहीं है तो मैंने उसमें वीजा का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। साथ में टूरिस्ट वीजा सबका अप्रूव नहीं होता है, पर उसमें क्या ट्रिक्स हैं अप्रूवल के, उसका हमारा पैकेज है। अगर आप वो लोगे तो वो सारा हम आपके लिए करेंगे। साथ में स्टूडेंट वीजा, अगर आप स्टूडेंट वीजा लेना चाहते हो, अमेरिका आके सस्ते में पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारे थ्रू स्टूडेंट वीजा का पैकेज लो, और बहुत ही सस्ते में, क्योंकि लोगों को गलत फहमी है कि 40-50 लाख रुपए लगते हैं पढ़ाई करने में। बट नहीं गाइज, हर चीज का एक वे होता है। सही तरीके से और सही जानकारी के साथ आप आगे बढ़ो लाइफ में। हम लोग यही चाहते हैं कि सबकी पढ़ाई सस्ते में हो, क्योंकि जो रिच है वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लेंगे। बट जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको उतना एक्सपोजर नहीं होता, उनको आइडिया भी नहीं होता। तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो कैसे सस्ते में अमेरिका आके बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करें और यहाँ आके जॉब करें, लाइफ सेट करें। तो ये सारे पैकेजेस को आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वापस आते हैं टॉपिक पे गाइस। ये पायलट प्रोग्राम 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, 5 वीक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि पहला रूल जो है वो है कि सिर्फ 20,000 लोगों का यहाँ अमेरिका के में रह के वीजा स्टैम्पिंग होगा। पहले क्या होता था मैं बता दूं, बैकग्राउंड दे देती हूँ। कोई H-1B पे यहाँ है अमेरिका में बंदा, आपको 3 साल का वीजा मिला है, 3 साल के बाद आपको वीजा रिन्यू कराना होता है यहाँ रहने के लिए, काम करने के लिए। और जब भी आपका रिन्यूअल होता है या जॉब चेंज करते हो तो आपको स्टैम्पिंग करना होता था अपने वीजा के ऊपर, जो कि जब भी आप कंट्री से बाहर जाते हो USA और कंट्री में वापस घुसने के लिए आपका वीजा स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो सिर्फ एग्जाम्पल कि कोई इंडिया जाता है वीजा रिन्यूअल के बाद, बिना स्टैम्पिंग के वापस वो अमेरिका में नहीं घुस सकता। ये पहले प्रॉब्लम थी, पर अभी जो 20,000 स्लॉट्स हैं ये जिसको भी मिलता है वो अमेरिका में रह के ही अपना रिन्यूअल तो अमेरिका में ही हो जाता है, जो स्टैम्पिंग है वो भी उनका अमेरिका के अंदर ही हो जाएगा। ये रूल है, तो ये बेनिफिट है, क्योंकि आपको इंडिया में जाके कॉन्सुलेट में जाना, 2-3 दिन टाइम वेस्ट करना, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं पे सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। अब बात करते हैं 5 हफ्ते में ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। 20,000 जो नंबर है ये, तो बेसिकली 4,000 पर वीक लोगों का स्टैम्पिंग होगा, जिसमें एक और रूल है 2,000 स्लॉट्स इंडिया में जिनकी स्टैम्पिंग हुई है H-1B वीजा की फ्रॉम 1 फरवरी 2021 टू 30th सितंबर 2021 को इंडिया में, सुनिए समझिए,
इंडिया में अगर आपका H1B स्टैंप हुआ है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो आप एलिजिबल हो कि आप यहाँ पे अपना स्टैंपिंग के लिए रजिस्टर करो, पायलट प्रोग्राम में इनरोल करो। समझ आ गया? इसके अलावा अगर आपकी स्टैंपिंग किसी और डेट में हुई है, किसी और ड्यूरेशन में हुआ है, आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ स्टैंप कराने के लिए। दूसरा कैटेगरीज में फॉल होता है वो है कनाडा में जिनकी स्टैंपिंग हुई है फ्रॉम द डेट 1 जनवरी 2020 से 1 अप्रैल 2023 में, जिनकी भी स्टैंपिंग H1B की कनाडा में हुई है, वो इस पायलट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। समझ आ गया? दो ही कैटेगरी है स्पेशली इस ड्यूरेशन में अगर आपकी स्टैंपिंग इंडिया या कनाडा में हुई है। तो जो मैंने पहले बताया कि 4000 लोगों को हर हफ्ते स्टैंपिंग मिलेगी, उसमें से 2000 होंगे वो जिनकी स्टैंपिंग इंडिया में हुई है 1 फरवरी से 30 सितंबर 2021 में। दूसरे 2000 जो पहले वीक की बात है, वो लोग जो कि कनाडा में जिनका स्टैंप हुआ है H1B वीज़ा का फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से 1 अप्रैल 2023 तक, तो 4000 ऐसे लोगों का पहले हफ्ते में स्टैंपिंग होगी। दूसरा रूल इसमें से ये है कि ये जो 4000 या 20000 लोग हैं बेसिकली, वो लोग ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल होने चाहिए। सेफ एग्जांपल, अगर आपको इंडिया में जाके स्टैंपिंग करानी होती तब पर भी आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ड्रॉप बॉक्स की होनी चाहिए थी, तभी आप यहाँ पे स्टैंपिंग करवा सकते हो एज अ ड्रॉप बॉक्स। तीसरा रूल ये है कि ऑफकोर्स ये जो रिन्यूअल के बाद ही स्टैंपिंग होगा, तो आपका I-797 जो H1B का पिटीशन कॉपी होता है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऑफकोर्स वो अप्रूव्ड होगा तभी आप स्टैंपिंग के लिए जा रहे हो। चौथा रूल ये है कि आपको करेंटली US में प्रेजेंट हो आप, तभी ये प्रोसेस कर सकते। पांचवा रूल इसमें ये है कि जो आपका मोस्ट रीसेंट I-94 है, I-94 ये होता है जब आप अमेरिका में एंटर करते हो जिस दिन भी लास्ट टाइम, तो वो उस दिन जनरेट होता है, तो वो बेसिकली आपका H1B पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और वीज़ा पे एंटर हुए, यहाँ H1B पिक हो गया और आप यहाँ पे ये स्टैंपिंग के लिए डाल रहे हो, तो बेसिकली आपका I-94 जो है जनरेटेड लास्ट वाला, वो H1B का होना चाहिए। इसमें एक और रूल है कि जब भी आपका H1B अप्रूव हुआ हो या एक्सटेंशन हुआ हो जिसके लिए आप ये पायलट प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एनोटेशन वार्निंग नहीं मिली हो, 221 फॉर्म जी नहीं मिला हो, क्लियरेंस रिसीव फॉर्म जो बेसिकली होता है वो नहीं मिला हो, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। यही मेजर रूल्स हैं। बेसिकली ये पहली बार शुरू हो रहा है अमेरिका के अंदर। 20,000 इन्होंने स्लॉट इसीलिए दिया है कि ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे होगा। ये देखेंगे कि कैसा क्या हो रहा है, ये स्टैंपिंग का प्रोसेस अमेरिका में कैसे जा रहा है, उसके बाद फ्यूचर में दे माइट इंक्रीज द नंबर। आगे कुछ चेंज भी हो सकता है, रूल भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी जैसे ही चेंज होगा, बट अभी के लिए यही मेजर रूल्स है। गाइज, मेरी बस कोशिश होती है कि जितना भी मैं आप लोगों को अमेरिका की जॉब्स वीज़ा में हेल्प करूँ, जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाऊँ। मैं नहीं चाहती जो मुझे लोग फॉलो करते हैं वो किसी एजेंट के पास जाएं, झांसे में पड़े और गलत रास्ते पे चले आए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।